planning here with Rahul Sharma. And those who come first time on this channel, guys, make sure that you're going to watch this video till the last so that you be the one of regular subscriber or the visitor of this channel. So let's start the class. The first thing that we need to clear or discuss in this particular class is all about how should we start our preparation for English honors. सर हमने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया एंड वी आर नॉट एबल टू नो कि यार इसकी पढ़ाई करनी कैसे. एक्चुअली कोविड चल रहा था या अभी भी चल रहा है पता नहीं, नो आइडिया टिल नाउ, बट वी डोंट हैव रेगुलर क्लासेस. अलोंग विद दैट वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट अ कोर्स एंड हाउ टू स्टडी. मतलब बड़े सारे क्वेश्चन आ गए, इन सबको डील आउट करना है. एंड रेगुलर क्वेश्चन बी रेज बाय द स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप किया, सर हमें प्लीज एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप एक एक चीज को कैटर करोगे दैट हाउ शुड वी स्टार्ट आवर स्टडीज, क्या होगा प्रोग्राम कोड क्या है, कैसे क्लियर करना है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एंड हाउ विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस कोर्स. लेट्स स्टार्ट अप द बेसिक्स. बेसिक्स इज ऑल अबाउट कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर कोर्स कंटेंट. यस, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर कोर्स कंटेंट. सबसे पहला काम ये, वेदर यू आर इन फर्स्ट सेम और थर्ड सेम, because the third sem exams are going on very soon. अब आपने कहा सर अब हम इनमें से कैसे पढ़ना है, what be the basic strategy or the best strategy to get maximum marks in Delhi University. Normally Delhi University में कई लोग कहते हैं कि सर कैसे करना है, सर what would ignore and other universities, हम तो English honors की बात कर रहे हैं, what are English honors. तो ये strategy आप हर university में follow करोगे, कुछ गलत नहीं है, यही strategy चलने वाली. अब आप कैसे clear करोगे, सबसे पहले आपका course content आप होना चाहिए, on tip होना चाहिए. By the chance, for long period of time, seriously after long period of time, Delhi University ignore course content, normally A ki ho gaya pura, for the English honors. Aapne kaha A ki course content ho gaya, ab isko kaise padhna hai. What are Indian English classical literature, European classical literature? Inko padhna kaise? How to study these? Inko padhne ka tarika ho, aur kaise hum answers ko on tip kar paayin? What be the strategy? Kya hume answers yaad karne ki zarurat hai sir? तो पहली चीज, व्हेन यू आर ऑनर स्टूडेंट यू नीड नॉट टू लर्न द आंसर्स, यू गाइस नीड टू क्लियर द टेस्ट. यस दैट्स ट्रू, यू नीड टू क्लियर द टेस्ट. टेस्ट ऑन टिप होना चाहिए. हाउ आर यू गोइंग टू मेक दैट टेस्ट ऑन टिप्स जो आपको पता ही नहीं कि कोर्स क्या है. पहला प्रॉब्लम आ गई कोर्स कंटेंट के, सर यही नहीं पता लग रहा, तो हाउ आर यू गोइंग टू विन ऑन टिप्स. तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कर लिया नहीं किया तो अभी कर लेना, क्योंकि यहां से सारा कोर्स तो पता लग जाएगा आपको. उसके बाद कोर्स में जो कंटेंट है सारा सारा मैं यहां बताऊंगा और समझाऊंगा भी आपको. दोजो इंटरेस्टेड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. दोजो इंटरेस्टेड गेट नोट्स, नोट्स नहीं एंड क्रैक योर पेपर्स इजिली, वो भी कर सकते हैं. एंड दोज डोंट हैव दैट मच टाइम टू हैव नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस, तो सिर्फ वीडियोस को देखो एंड यू बी एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. अगर टाइम है सीरियस दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि आप नोट्स भी बना ले. चलो यार शुरू करते हैं. फर्स्ट हाफ मेरे पास कोर्स कंटेंट क्लियर हो जी. सेकंड हाफ इज द सेकंड थिंग दैट इज द प्रीवियस ईयर पेपर्स. फर्स्ट कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर कोर्स, द सेकंड वन प्रीवियस ईयर पेपर्स. कोई क्वेश्चन नहीं आना वहां से कि रिपीट क्वेश्चन होगा, बट यू डू हैव एन आइडिया. आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये पेपर का कंटेंट है, इस पे काम करना है. आई रिपीट दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स डू टेल यू अबाउट द कंटेंट ऑफ एग्जामिनेशन, कि कैसा कंटेंट आएगा. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सब कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना हुआ है जो पेपर में आता है. या कोर्स कंटेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, वो पढ़ना जो पेपर में आता है. एक से एग्जाम्पल देता हूं, हमारे कोर्स में एक टर्म होती है बैकग्राउंड रीडिंग. बैकग्राउंड रीडिंग सीरीज में बहुत सारा कोर्स कंटेंट होता है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए दिया था आप लोगों. आपने कहा सर ये हमें भी पढ़ना है. जब तक कोरेस्पोंडेंस अलग था और रेगुलर का सिस्टम रहा था, तब तक कोरेस्पोंडेंस स्टूडेंट्स के लिए बैकग्राउंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी. कन्फर्म पेपर आते बार बार पूछ जाते थे. बट फ्रॉम द लास्ट टू टू थ्री इयर्स गाइस, इट्स द सेम कोरेस्पोंडेंस और रेगुलर का एक ही पेपर फॉलोअप होता है, एक ही स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है. तो आपने कहा बैकग्राउंड रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है. हाँ आगे मास्टर्स में कंफर्म यूज है बैकग्राउंड रीडिंग का. नेट जेआरएफ का पेपर दोगे आप तो वहां भी इसका पूरा यूज होता है. यू गाइस नीड टू स्टडी दिस एट दैट टाइम.
बट फिलहाल अगर आपको अपने पेपर क्लियर करने एंड यू रियली नीड टू जंप अप, तो गाइस देयर इज नो यूज ऑफ बैकग्राउंड रीडिंग. यस, देयर इज नो यूज. अब आते हैं सिलेक्टिव टर्म्स के ऊपर. हाउ आई एम गोइंग टू बी द परफेक्ट इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी. कई सारे पेपर हैं, मैं सारे पेपर नहीं बताऊंगा, हाँ डिटेल वीडियो डालूंगा सबकी वन बाय वन. तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियोस आपको मिल जाए. और जिस बच्चे को जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स आपके लिए. कम टू द स्ट्रेटेजी, मेन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो बता दूंगा तीन चीजें. पहला कोर्स को पूरा जान लो, सेकेंडली प्रीवियस पेपर को एनालाइज कर लो क्या करना है, देन बैकग्राउंड रीडिंग. कम टू नेक्स्ट, नोट्स बनाने आंसर शुरू कर दो. दोस्त कैन हैव इट, वो ले सकते हैं, वो फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ता है आपको. जो नहीं करते उनको दिक्कत है, नोट्स खुद बनाओ, मैं बताता हूं कैसे बनाने. आई टेल यू द स्ट्रेटेजी, नो प्रॉब्लम. पहले क्या करना है, आप किसी एक प्ले को ले लेते हैं. लुक एट इट, टेक एन एग्जांपल, कोई भी एक प्ले ले लिया आपने, महाभारत ले लिया. कंफर्म पेपर में आएगा, हमें पता पूरा आने आना है. तो महाभारत का एग्जाम्पल ले लिया हमने, जस्ट एक एग्जाम्पल महाभारत. तो पहले क्या करो, गो विद द वीडियो. उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देखें तीन से चार पार्ट्स हैं, तीन चार पार्ट्स चारों के चारों वीडियो की फॉर्म में हैं आपके पास, आपने उसकी वीडियो देखनी है. कम टू नेक्स्ट, कैरेक्टर चार्ट, फर्स्ट वीडियो, सेकंड कैरेक्टर चार्ट. जैसे आप वीडियो क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, एक कैरेक्टर चार्ट बनाओ, जो जो उसमें मेन कैरेक्टर्स हैं उनको हाईलाइट करो. Write on the themes, major theme that are being asked in that particular down. Major themes ko likho. Write down the plot. Yes, write down the plot in your words. Sir, हमारी English अच्छी नहीं है. We are not good in English and how we going to write down the plot? Paper आपने लिख क्या नहीं? आपके सर ने नहीं लिखना, आपने लिखना है. तो जैसे इंग्लिश आपकी है, डजंट मैटर, आप उसमें उस प्लॉट को लिखो. अब उस प्लॉट के बेसिस पे आप अपने कैरेक्टर्स जो चार्ट बनाया था उसको एनालाइज करो, थीम्स कनेक्ट करो, एंड देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. हर स्टोरी लाइन के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं. कहां से मिलेंगे, मैंने कहा मैं वीडियोस डालता रहता हूं, ऑलरेडी डालनी है, आप लोग देखो. अगर कोई नहीं मिलती है कि सर इसकी एक्सपेक्टेड वीडियोस क्वेश्चंस की वीडियो नहीं है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आएंगे, मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे. देखो ना, बहुत ईजी वे में बताया, दिस इज द बेस्ट वे टू मेक योर नोट्स. सबसे पहले क्या करना है, वीडियो देखनी है. वीडियो देखिए, कैरेक्टर चार्ट बनाना, पहले पूरे चार्ट बनाएंगे जिसमें कैरेक्टर्स को क्लियर करेंगे, देन थीम्स को लिखेंगे, देन राइट डाउन द प्लॉट इन योर वर्ड्स, एंड देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. खाली क्वेश्चंस नहीं लिखने, उनके आंसर्स भी फॉर्म करने. अब आंसर्स कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स. नॉर्मली पीपल यूज टू से क्या, इंग्लिश ऑनर्स और क्लास 12th में जो हम पढ़ते ना, उस इंग्लिश में और इंग्लिश ऑनर्स में बहुत बड़ा फर्क होता है. इट्स ह्यूज मार्जिन, बिकॉज हियर वी यूज द सर्टेन गुड वोकैब्स in our answer so that it looks so decorative. We need to use the perfect sense of tenses while writing our answer. Hame pata hona chahiye ki presentation kya hogi, kaise cheez ko implement karna hai. And one thing that you guys need not to do, yahan pehle hi aapko bata deta hu ki ek cheez jo aapko bilkul nahi karni hai while writing our answer English honors, don't write down the summary. I repeat, डोंट राइट डाउन द समरी. समरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी आपने. जहां कहीं आपने समरी लिख दी, एग्जामिनर वही नंबर काट लेगा. आपसे समरी के क्वेश्चन नहीं दिए जाते आपको, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. व्हेन यू आर डीलिंग विद इट, यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. जिसके लिए आपको एबीसी फॉलो करना होगा, यू नीड टू फॉलो एबीसी. You need to follow ACT,
At the time of writing the answer, you need to follow ACT. At the time of writing, you need to follow ABC. अब ये एबीसी और एसीडी के मैं अपनी हर वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए दोबारा बताता हूं. एबी स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी. व्हाइल राइटिंग द आंसर यू गाइस नीड टू परफेक्ट इन एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी सो दैट योर आंसर बी द परफेक्ट वन. कम अप टू द एसीडी, इट्स बीइंग यूज्ड व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट. For that, we need to analyze the question first. The first thing, we need to analyze all the questions. And then at the writing the answer, we need to make a plot, a complete base. So we cannot write down the summary of the answers. So we need to make a base. That is the concept. And T stands for the test that is required to write down over there. We need to analyze all this before writing our answers. So when somebody says how to score 1780 plus in English honors, this strategy that you guys must follow. For more videos, like, share and subscribe. Catch you very soon with a new video just for you guys. Bye.